इस कहानी का नाम है यक्षिणी एक डायन। जगदीश सर, मैंने सुना है यक्षिणी आपके गांव के पास जो किश्नोई नदी है वहां पर घुमा करती है और मर्दों के साथ वो सब यानी वही सब करके उन्हें मार देती है। जगदीश, यक्षिणी इतनी बुरी नहीं है जितना गांव के लोग और तुम सब समझते हो। मतलब यक्षिणियां बहुत अच्छी होती हैं, इतनी अच्छी कि दूसरों की खुशी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाए। पर कभी कभी जिंदगी में कुछ ऐसी घटना घटती है कि आपकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। कैसी घटना सर, मैं कुछ समझा नहीं। यक्षिणी द्वापर युग के अंत में पृथ्वी पर आई थी, जिसको एक अभिशाप मिला था, एक ऐसा अभिशाप जिसने उसकी जिंदगी बदल दी थी। सर, आपकी बातों से ऐसा लगता है जैसे आप यक्षिणी को बहुत करीब से जानते हैं। क्या आपने कभी यक्षिणी को देखा है? मेरा यक्षिणी से सामना नहीं, बल्कि मैंने तो खुद यक्षिणी के साथ। बस इतना कहने की देर थी कि फोन कट जाता है और नेटवर्क चला जाता है। रात के 3 बजे वो लंगड़ा लेखक जैसे तैसे बैसाखी की मदद से खड़े होने की कोशिश करता है कि तभी लाइट भी अपने आप बंद चालू होने लगती है। डरने के लिए इतना काफी था, मगर तभी किसी के दर्द में रोने की आवाज आने लगती है। वो चीखते हुए कहता है, कौन कौन हो तुम? मैं यक्षिणी, तेरी मौत। आखिर कौन है यक्षिणी? क्या है उसका अभिशाप? क्या लेखक अपनी जान बचा पाएगा? कैसे जानता है वो यक्षिणी के बारे में इतना कुछ? जानने के लिए सुनिए डर और अभिशाप की कहानी, यक्षिणी एक डायन, सिर्फ